क्या आपको पता है कि ये हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड क्यों करते हैं? क्या रीजन है कि हमने डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया? आपको मैं लॉजिक बताता हूं, क्योंकि बहुत बच्चों को ये तो लॉजिक ही नहीं पता। डेप्रिसिएशन चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे पर ये नहीं पता कि हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड क्यों करते हैं। चलो डेप्रिसिएशन होता क्या है आपको पता ही है। डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल एंड अ परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कॉज। मतलब वो डेप्रिसिएशन वो अमाउंट होता है जब एसेट की वैल्यू घटती रहती है बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजन, तो उसको मैं डेप्रिसिएशन बोलता हूं। जैसे जैसे मैं एसेट यूज करता हूं अपनी कंपनी के अंदर, उसकी वैल्यू कम होती जाती है बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजन। पर वो रीजन क्या है हमें उसमें नहीं जाना, हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड क्यों करते हैं उसमें जाना है। तो देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मैंने एक लैपटॉप परचेज किया 1 लाख रुपए का और उसकी लाइफ 4 साल है। क्या है? 4 साल। मैंने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, उसकी लाइफ 4 साल है। तो एक बात बताओ, ये मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ या कैपिटल हुआ? फॉर कैपिटल हुआ। क्यों? क्योंकि लैपटॉप की लाइफ 1 साल से ज्यादा है। अमाउंट इररिलेवेंट है, लाइफ कितनी है? 1 साल से ज्यादा चलेगा सर लैपटॉप। तो भैया ये बेनिफिट जो लैपटॉप है वो मुझे 4 साल तक देने वाला है। हाँ, मैं ये लैपटॉप यूज करूंगा, मैंने 1 लाख रुपए खर्चा किया, तो ये जो लैपटॉप का जो बेनिफिट है ये मुझे 4 साल तक मिलने वाला है। यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर है। पर अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाता हूं, सपोज करो डेप्रिसिएशन कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, तो मैं क्या करता भाई। सपोज करो मेरे पहले साल में सेल्स 3 लाख रुपए होती, मैंने पूरे साल अपनी मेहनत की, 3 लाख रुपए कमाए, मेरे नॉर्मल जो खर्चे हैं, जो मैं लोगों को सैलरी देता हूँ, रेंट देता हूँ, लेट सपोज 60-60 हज़ार रुपए, सिंपल केस ले रहा हूँ। अब मैंने इस साल पहले साल एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, मैंने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मान के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। मैंने कहा लैपटॉप खरीदा यार, इसी साल खर्चा मानो ना यार, खत्म। हर साल कौन डेप्रिसिएशन लगाए, कौन दिमाग लगाए, पूरा का पूरा खर्चा पहले साल में ही डाल दो। लैपटॉप खरीदा, भले इसकी जो मतलब लाइफ 4 साल हो, मुझे क्या, मैं तो पूरा का पूरा लैपटॉप कहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे खर्चा लगा देता हूँ। अब हुआ क्या, 3 लाख खर्चा मान लिया, 1 लाख खर्चा, 60 खर्चा, 1 40 खर्चा, 3 लाख माइनस 1 40, मेरी इनकम कितनी आ रही है, 1 40, यहाँ पे 1 60 माइनस 3 लाख माइनस 1 60, 1 40 मेरी इनकम आ रही है। अगले साल भी मैंने सेम मेहनत की, 3 लाख कमाए, अगले साल तो मैंने लैपटॉप खरीदा नहीं बिकॉज लैपटॉप मैंने इस साल खरीद लिया, अगले साल कोई लैपटॉप नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो कोई खर्चा आएगा नहीं, एक ही बार तो खर्चा आएगा, लैपटॉप इसी साल खरीदा, इस साल तो कोई लैपटॉप आया नहीं, तो इस साल मेरा एक ही खर्चा 60 हज़ार। तो इस साल मैंने कितना कमाया, 2 लाख 40। अब पता है आपको क्या लग रहा है, ओहो वाह, 1 लाख 40 पहले साल इनकम, दूसरे साल इनकम 2 लाख 40, मैं तो जबरदस्त कर रहा हूं अपने बिजनेस के अंदर, शानदार चल रहा है मेरा बिजनेस। कोई शानदार वानदार नहीं चल रहा, यहां पे भी 3 लाख कम है, यहां पे भी 3 लाख कम है, यहां पे भी खर्चे 60 और यहां पे भी खर्चे 60। जस्ट बिकॉज आपने एक मोटा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा आपने रिवेन्यू मान लिया, प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए, आपका यहां पे प्रॉफिट कम आया है। एक्चुअली दोनों का प्रॉफिट इक्वल है, क्योंकि दोनों खर्चे इनकम दोनों सेम है, पर आपने कुछ ज्यादा कुछ मेहनत की भी नहीं, सेम 3 लाख 3 लाख कमा रहे हो, फिर प्रॉफिट अलग अलग क्यों आ रहा है, सेम होना चाहिए था। रीजन बीइंग मैंने एक खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू मान लिया। तो सर अगर डेप्रिसिएशन लगा भी देंगे तो भी क्या हो जाएगा, क्या अलग सा हो जाएगा? चलो आपको बताता हूं क्या अलग हो जाएगा। देखो ये रही स्लाइड, सपोज करो सेम सिचुएशन है कि मैंने पूरे साल में कितने कमाए, 3 लाख रुपए कमाए, दूसरे साल में भी 3 लाख रुपए कमाए, मेरा खर्चा पहले साल में भी 60 हज़ार, दूसरे साल में 60 हज़ार, लोगों को सैलरी वैली देता हूं अब, बट मैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने 1 लाख का लैपटॉप लिया था, उसकी लाइफ कितनी है सर, वो 4 साल चलेगा। मतलब मैंने जो लैपटॉप लिया वो 4 साल तक मुझे बेनिफिट देगा। और मैंने लैपटॉप कब खरीदा, 1/4/22 को खरीदा, तो वो मुझे बेनिफिट 4 साल तक देगा। इसका मतलब है एक काम करूं, ये जो मैंने खर्चा किया इसको 4 साल में डिवाइड कर लूं, बिकॉज एक लैपटॉप जो मैंने अपने बिजनेस के लिए खरीदा वो 4 साल के लिए टक 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 मुझे फायदा देगा। तो मैंने उसको 4 साल 25,000 पहला साल, 25,000 दूसरा साल,
25,000, तीसरा साल 25,000, चौथा साल मतलब 1, 2, 3, 4 मेरे चारों साल में मैं खर्चा डिवाइड कर देता हूँ 1,00,000, क्योंकि 1,00,000 मैंने खर्चा किया लैपटॉप का, पर वो बेनिफिट 4 साल तक देगा तो मैं उसको 4 साल में डिवाइड कर लूंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले साल में खर्चा 25,000 ही दिखाया एज अ लैपटॉप डेप्रिसिएशन, मैंने डेप्रिसिएशन लैपटॉप का 25,000 दिखाया, दूसरे साल में 25 दिखाया बिकॉज मैंने 1,00,000 का जो खर्चा है वो टक 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 करके 4 में डिवाइड कर दिया 25 25 25 25, तो 3,00,000 माइनस 25 माइनस 60 कितना इनकम आ रहा है, तो 2,15,000। दूसरे साल में 3,00,000 कमाया, 60 आया, 25 कमाया, दूसरे साल भी 2,15,000 ही आ रहा है। जब मैंने रेवेन्यू इंक्रीज नहीं किया, खर्चा इंक्रीज नहीं किया, तो मेरा प्रॉफिट तो सेम ही होना चाहिए ना, जस्ट बिकॉज मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, पहले मेरा खर्चा डामल डोल हो गया था, पहले 1,40,000 इनकम थी फिर 2,40,000, ऐसा हुआ नहीं था। मैं अपना जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूंगा वो 4 साल में प्रोवाइड करूंगा। तो फिर उसको बुक्स में कैसे दिखाएंगे, पहला साल मैंने लैपटॉप कब खरीदा, 1/4 को, तो 31/3/2023 को मेरी बुक्स में जो लैपटॉप मैंने कितने का लिया, सर मैंने लैपटॉप लिया 1,00,000 का, जिसमें से मैंने पहले साल उसको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया 25,000, तो बुक्स में मैं एसेट दिखाऊंगा 75,000 पूरे साल भर यूज किया, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, तो मेरा 1,00,000 माइनस 25 लैपटॉप की वैल्यू 1 साल के बाद 75, और ये जो 25 है ये यहाँ पे आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन 25,000। क्लियर है। दूसरा साल 31/3/2024 मेरा लैपटॉप कितने का था, ओपनिंग वैल्यू कितने की थी, फिर ओपनिंग वैल्यू थी 75, फिर मैंने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, हाँ 25,000 प्रोवाइड किया, फिर कितने का हो गया, फिर 50 का हो गया, और ये 25 यहाँ पे आ गया टू डेप्रिसिएशन। क्लियर है। तीसरे साल सेम आपको यही करना है, आपको हर साल जो लैपटॉप है वो आपका 50,000 ओपनिंग, आपने उसमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया 25, तो बुक्स में वैल्यू आ गई 25, और ये 25 यहाँ चला गया आपका खर्चा डेप्रिसिएशन। ओके, और लास्ट में 31/3/2026 आपकी लैपटॉप की जो ओपनिंग वैल्यू थी 25, आपने उसमें डेप्रिसिएशन लगाया 25, और ये हो गया आपका 0, और 25 आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग गया। देखा आपने मैजिकली आपके लैपटॉप की 4 साल के बाद, आपने 22 में खरीदा, 23, 24, 25, 26 में लैपटॉप की वैल्यू 0 हो गई बिकॉज आपने 4 साल में वो लैपटॉप आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया। और लैपटॉप हमेशा मैं बैलेंस शीट में एसेट में दिखाऊंगा बिकॉज ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो कहां पे जाएगा, एसेट में आएगा। और डेप्रिसिएशन हर चीज प्रोवाइड करेंगे एक्सेप्ट लैंड में डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता, आपको पता है लैंड की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है, मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती है पर लैंड का यूज कभी भी कम नहीं होगा। लैंड अभी है, जो लाख साल पहले था वो भी अभी था, बिल्डिंग खराब हो जाती है, लैपटॉप खराब हो जाता है, मशीनरी खराब हो जाती है, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बाकी जो इनटेंजिबल होते हैं उन पे एमोर्टाइजेशन लगता है बिकॉज इनकी पहले से प्री डिटरमाइंड लाइफ होती है, गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गई, पेटेंट्स हो गई, उसको हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एक ही बात है, डेप्रिसिएशन लगाओ एमोर्टाइजेशन लगाओ, पर उसको अपन यूज करते हैं इनटेंजिबल में एमोर्टाइजेशन। और डेप्रिसिएशन होता क्यों है, जैसे जैसे मैं एसेट यूज करता हूँ, लैपटॉप यूज किया इसलिए उसकी वैल्यू कम गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो मेरा लैपटॉप की वैल्यू नहीं कम हो जाएगी। आज आईफोन 5 की वैल्यू और आईफोन 15 आ गया तो आईफोन 5 कौन खरीदेगा, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी ना, तो टाइम के साथ भी हर चीज की वैल्यू कम होती है। अरे हमारी वैल्यू कम हो जाती है तो उनकी तो होगी। और डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखना, और डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एक काम करो सर, एक एंट्री करके बता ही दो, मैंने एक मशीनरी बाय की 1,00,000 की, जैसे ही मैंने मशीन बाय की तो मेरा एंट्री हो गई मशीन, और मैंने कैश में बाय की, एज्यूम करता हूं मशीनरी है मेरा एसेट, जैसे ही मैंने एसेट खरीदा डेबिट, कैश है मेरा एसेट, मैंने मशीनरी खरीदी कैश पे किया तो वो हो जाएगा क्रेडिट, तो मेरी एंट्री हो जाएगी फॉर मशीन, जब मैंने मशीन खरीदी मशीन डेबिट टू कैश, मैंने कितने की मशीनरी ली भाई साहब, 1,00,000 की मशीनरी ली, 1,00,000 की मैंने मशीनरी ली। कब ली मैंने, 1 अप्रैल 2022 को ली। ओके, साल के अंत में मैंने उसको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया 25%, तो 1,00,000 का 25% कितना होता है, सो 25,000 रुपीज़ होता है।
तो 25,000 मैंने आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया। लो भाई डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है, डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है और उससे मेरी मशीन की जो वैल्यू है वो कम होती है। 25,000 पे मेरी मशीनरी की वैल्यू कम होगी, डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है और जब जब खर्चा होता है तो वो डेबिट होगा। खर्चा हो रहा है ना तो डेबिट, और मशीन मेरा एसेट है, मशीन मेरा क्या है एसेट है, और डेप्रिसिएशन लगाते ही मशीन की वैल्यू घट 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 कम हो जाती है और जैसी वो कम होती है तो क्रेडिट हो जाएगा और मैं एंट्री करूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 25,000 रुपये, और ये मेरी डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई है। समझ में आया आपको? ओके चलो, आपको ये मैंने डेप्रिसिएशन का वन शॉट वीडियो भी डाल रखा है, नीचे लिंक दिया हुआ है, पूरा मेरा 5 घंटे का डेप्रिसिएशन का वीडियो है जिसमें मैंने सारे मेथड SLM मेथड WD मेथड सब कुछ डिस्कस किया है, तो वो भी आप देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। अच्छा लगा अच्छा तो लाइक करो सब्सक्राइब करो, आपका लाइक और सब्सक्राइब भी मुझे मोटिवेट करता है, YouTube को भी मालूम चलता है अच्छा वीडियो और लोगों को वो दिखाता है, तो आपका बस मुझे यही आपकी एक हेल्प चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, अकाउंट ऐप डाउनलोड करो एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।